कोविड-19 एंटी लॉकडाउन, इसके बारे में आज बातचीत करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। हमारे देश में काफी सारे लोग ऐसे कोविड-19 के खिलाफ बातें करते रहते कि कोविड-19 ये बीमारी है नहीं, ये लॉकडाउन तो होना ही नहीं चाहिए। हमारे व्यापारी लोगों का भी क्रोध बढ़ता जा रहा है, लोगों का क्रोध बढ़ता जा रहा है लॉकडाउन के खिलाफ, और लोग बार बार एक चेतावनी दे रहे हैं कि भाई हम रस्ते पे उतरेंगे, लॉकडाउन बंद करो, मतलब ये अभी जो चालू है लॉकडाउन, तो ये अभी उठना चाहिए, लोगों को काम करने दो। लोग वैसे ही भूखे मर रहे, तो कोविड से मरेंगे तो चलता है, मगर अभी भूखे मत मरने दो लोगों को, ऐसे बारे में चालू है। और कुछ तो ऐसा वर्ग है कि जो बोलता है कि कोविड-19 है नहीं और ये तो एक सादा निमोनिया है और उसका सादा इलाज नेचुरोपैथी से हो सकता है। तो ये सब पार्श्वभूमि के ऊपर अभी ऑस्ट्रेलिया सिडनी में आज एंटी लॉकडाउन प्रोटेस्ट चालू है। लोग रस्ते पे उतरे हुए, एंटी मास्क एंटी लॉकडाउन प्रोटेस्ट चालू है। पुलिस कंट्रोल में, मतलब उनको ला रही है, कंट्रोल नहीं कर पा रही है। घोड़े के ऊपर मिलिट्री बैठी हुई है, उनको वो कंट्रोल करने के लिए देख रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के अंदर डाल रहे हैं, और लोग मान नहीं रहे, लोग अभी तंग आ गए। और अभी एक साल और करीब करीब अभी 4 महीने हो रहे हैं और इसमें लोग तंग आ चुके हैं। अभी बीच में 2-3 महीने खुल गया था, नवंबर दिसंबर जनवरी थोड़ा सा खुल गया था, और बाद में तभी पूरा खुला नहीं था, जैसे कि लोकल ट्रेन चालू नहीं थी और काफ़ी सारे चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें चालू नहीं थी। अभी भी ऐसी हो रहा है कि महाराष्ट्र में भी 4 बजे के बाद में सब बंद रहता है, और कुछ ऐसे जिले हैं कि जहाँ अभी भी लॉकडाउन काफ़ी मात्रा में चालू है। तो इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है कि भाई लोगों का रोष कितना सहन करना। देखिए, जब ऐसा बोलते कि नहीं 4 बजे तक लॉकडाउन है, तो फिर लोग क्या करते, 4 बजे तक धूमधाम कर लेते। इससे तो उल्टा ऐसा होना चाहिए कि नहीं, अभी कोविड-19 चालू है तो आप क्या करो कि दिन में और रात भर 24 घंटे दुकान चालू रखो, ताकि क्राउड जो है ना वो ऐसा स्प्रेड हो जाएगा दुकानों में, बाजार में क्राउड स्प्रेड हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि 4 बजे तक दुकानें चालू, फिर तो लोग धूमधाम कर लेते 4 बजे तक। उल्टा ये करना चाहिए कि 24 घंटे भी दुकानें खुली, रात में भी खुली, दिन में भी खुली, कभी भी आओ खरीदो, ताकि लोग धूमधाम नहीं करेंगे। और ऐसा किया तो भीड़ नहीं होगी। जैसा अभी लोग खाना खाने को बुला रहे शादियों में, वो क्या करते, 500 लोग बुलाएंगे, मगर 50-50 के इसमें अंतर में लोग पूरे दिन भर बुलाते रहते, किसको सवेरे 11 से 12 का टाइम दिया है, किसको 12 से 1 का टाइम दिया, 1 से 2 का टाइम दिया, ऐसे लोग लोगों को खाना खाने बुला रहे, ताकि एक साथ भीड़ ना दिखे और कोई लीगल कार्रवाई ना हुए। तो ऐसे इसमें ही हमने देखना चाहिए कि भाई ये लोगों का क्रोध ज़्यादा होना, लोगों का मतलब ये प्रोटेस्ट हो जाना, इसके पहले शासन यदि ये करता है कि पूरे 24 घंटे चालू रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भीड़ नहीं होगी। अभी देखिए ना, 4 बजे तक लोगों को सब करना है दिन भर का, मतलब बात का काम जल्दी करना है, जल्दी निपटना है। लोग तो पहले 10 के पहले चालू नहीं करते काम, और यदि 10 और 4 के बीच में सब करना है तो धूमधाम हो जाएगी, और हो रही है, पूरे मार्केट्स फुल है बिल्कुल 4 बजे तक। तो ये स्प्रेड करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन हमारे देश में भी होने को टाइम लगेगा नहीं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर इतना शेयर करो कि गवर्नमेंट तक ये पहुँचना चाहिए, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स तक पहुँचना चाहिए, इतना शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।